उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान मिले 1000 साल पुराने मंदिर के अवशेषों से फिर मंदिर बनाया जाएगा। इसकी ऊंचाई 37 फीट होगी। इसमें 65 लाख रुपए की लागत आएगी। एक साल के अंदर यह बनकर तैयार हो जाएगा। पूरा काम पुरातत्व विशेषज्ञों की देखरेख में कराया जाएगा। इसका काम जल्द ही शुरू होने वाला है। मई 2020 में महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के पहले चरण की खुदाई चल रही थी। मंदिर के अगले हिस्से में 25 से 30 फीट खुदाई के बाद प्राचीन मंदिर का ढांचा दिखा था। यहाँ आधार भाग प्राचीन शिवलिंग नंदी गणेश माँ चामुंडा और शार्दुल की मूर्तियां मिली थी। इसके बाद खुदाई का काम रोक दिया गया था। पुरातत्व विशेषज्ञों ने इसे परमाकालीन बताया था। पुरातत्व विभाग के तत्कालीन आयुक्त शिव शेखर शुक्ला ने पुरातत्वविद डॉक्टर रमेश यादव के नेतृत्व में 4 सदस्यीय दल को वहां पर भेजा था। टीम को लीड कर रहे पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर रमेश यादव ने कहा था कि 11वीं-12वीं शताब्दी का मंदिर नीचे दबा है, जो कि उत्तर वाले भाग में है। आयुक्त ने मंदिर के गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करने के लिए पुरातत्व विभाग की निगरानी में खुदाई का निर्णय लिया था। दल ने विभाग को इसकी रिपोर्ट भी सौंपी थी।